नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रेप पर राजनीति आखिर क्यों? लखनऊ में अयोध्या की दरिंदगी भरी वारदात पर शुरू हो गया है प्रतापगढ़ के बीजेपी नेता मुनीश शुक्ला टेसू की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास के बाहर सपा के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी बीजेपी के खिलाफ 1090 चौराहे पर ऐसा ही एक पोस्टर लगाया गया है। ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर लगाए गए होर्डिंग में कटाक्ष किया गया है कि अखिलेश यादव का पीडीए दिखावा है, मोहित को कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं 1090 चौराहे पर सपा की ओर से लगाए गए होर्डिंग में बीजेपी को महिला विरोधी बताया गया है और इसमें सिलसिलेवार उन आरोपी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनमें आरोपी के तौर पर जो नाम सामने आया, इसमें पूछा गया है कि उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। और इससे पहले 1090 चौराहे पर ही सपा के खिलाफ बीजेपी नेता श्वेता सिंह की ओर से होर्डिंग लगाया गया था और लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक नया पोस्टर लगाया गया है जिसके जरिए अब बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टर में गोरखपुर, हाथरस और उन्नाव में दुष्कर्म के मामलों सहित बीजेपी राज में हुए अपराधों की याद दिलाते हुए पूछा गया है कि बाबा का बुलडोजर कहाँ है। कहा गया कि बीजेपी खुद तो बलात्कारियों का संरक्षण करती है और पीड़िता पर राजनीति करती है, ये बंद होना चाहिए। ये पोस्टर किसने लगाया है पता नहीं और इसके जरिए उन मामलों को उठाया गया है जिसमें कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े इन लोगों पर आरोप लगते रहे हैं। साथ ही एक दिन पहले ही लखनऊ में बीजेपी नेता के हवाले से पोस्टर लगाया गया था जिसमें सपा पर अयोध्या मामले के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया था। पोस्टर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बयान का जिक्र किया गया था और लिखा हुआ था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कह रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, मोईद है गलती हो जाती है। पोस्टर बीजेपी की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह की ओर से लगाने का दावा किया गया है और पोस्टर पर उनका नाम भी अंकित है। पोस्टर लगाकर अब बीजेपी को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। उधर बीजेपी ने भी संरक्षण दिया। बाराबंकी में सचिवालय में नौकरी का झांसा देकर बीजेपी नेता महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और कुशीनगर में बीजेपी नेता ने किशोरी को घर से बुलाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यूपी, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं पर दुष्कर्म के मामले हैं। उन्नाव में भी उन्नाव से लेकर गोरखपुर और हाथरस तक बीजेपी बलात्कारियों का समर्थन करती रही है। पोस्टर में सवाल भी पूछा गया है कि बाबा का बुलडोजर कहाँ है, बलात्कारियों पर आखिर ये बुलडोजर कब चलेगा। तो लखनऊ की सड़कों पर ये पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं और इन पोस्टर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बाबा का बुलडोजर कहाँ है। देखिए, हम लोगों ने भी देखा कि उत्तर प्रदेश की बेटी के नाम से पोस्टर लगा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से महिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से महिला उत्पीड़न बढ़ा है, किस तरह से बच्चियों के साथ रेप के केसेस बढ़े हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पीड़िताओं को न्याय दिलाने की जगह उनकी रेप पर राजनीति करने का कार्य कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है क्योंकि रेप एक संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई भी पीड़िता हो उसकी सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, सामाजिक मदद करनी चाहिए और उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और अपराध हुए या बलात्कार, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं ठीक है। और ये जो पोस्टर लखनऊ की सड़क पर लगा है ये अपने आप में देखने योग्य है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और अभी हाल फिलहाल में कल की घटना जो महिला ने सुसाइड कर लिया है, बहुत निराशा का माहौल है और उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत भारतीय जनता पार्टी से निराश। तो दरअसल जब कोई घटनाक्रम रेप कांड सामने आता है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीतिक दल अपना स्वार्थ इसमें देखने लग जाते हैं और तरह तरह की बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप, फिर आकलन शुरू हो जाता है इस बात को लेकर कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने रेप हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग संरक्षण देने का काम कर रहे थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया, और जब भी ऐसा घटनाक्रम सामने आता है तो उस बयान का भी जिक्र होता है कि लड़के हैं, लड़के से लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी
की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। आपका परिचय करा देते हैं। पूजा शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। तो मुद्दे में वापस लौटते हैं कि रेप पर राजनीति आखिर क्यों, क्योंकि तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। पूजा शुक्ला हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश पांडे भी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस मामले में अपडेट साझा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, विरल मलिक जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं अविरल मलिक से। अविरल मलिक जी, चूंकि अब ये बहुत हाईफाई मामला हो गया है, जिस तरीके की राजनीति इस मामले को लेकर हो रही है, और ये कहा जाए कि अब लखनऊ की सड़कों में जो पोस्टर नज़र आ रहे हैं, और ये सवाल पूछा जा रहा है समाजवादी या पार्टी की तरफ से कि भाई अब बाबा का बुलडोज़र कहाँ है, और वो पुराने से पुराने वक्तव्य जो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरीके के आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। जी देखिए, हमने किसी गुंडे को, किसी माफिया को, किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को कभी संरक्षण नहीं दिया, ना दिया था, ना दिया है, ना देंगे। ये बिल्कुल हम क्लियर हैं इस बात के लिए। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की या इंडी गठबंधन की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता रहा, अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा, माफियाओं को संरक्षण मिलता रहा, गुंडों को संरक्षण मिलता रहा, और नाम भी मैं गिना सकता हूं, मुख्तार अंसारी की बात करिए, अब अतीक अहमद की बात करिए, और उसके साथ साथ अगर बात करनी है तो जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति को संरक्षण दिया गया, पूरी सरकार ने उस समय संरक्षण दिया, सबको मालूम है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के दौरान ना कोई दंगा हुआ, ना कोई बवाल हुआ, ना किसी प्रकार की कोई घटना होती है, और जहां घटना होती है वहां तत्काल कार्रवाई होती है, वो सबको नजर आ रहा है। और अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में किया जा रहा, वो भी सबको नजर आ रहा। ठीक है अविरल जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ना तो अपराध मुक्त हुआ है और ना ही माफिया मुक्त हुआ है। एक माफिया का इनकाउंटर होता है तो चार माफिया और खड़े हो जाते हैं, नया एक वो इजाद हो जाते हैं कि एक का इनकाउंटर तो तीन और हो आ गए सामने। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला जी भी जुड़ी हुई हैं। पूजा शुक्ला जी, ये किस तरीके की राजनीति है, पोस्टर पोस्टर यहाँ पर खेला नहीं, जा रहा ये है। पोस्टर दूसरा किसने लगाया है ये तो कोई नहीं जानता है। उस पे ना किसी का नाम अंकित है और ना किसी पार्टी का लोगो अंकित है कि किसने लगाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बलात्कार के मुद्दों पर संवेदनशील ही नहीं रही। आप ये देखिए कि हाथरस तो में जब किसने लगाया है, जिसमें तो पूछा जा रहा है कि भाई बाबा का बुलडोजर कहाँ है, चला दिया गया, तरह से मीडिया कर्मियों को रोका गया, और वहां पर किस जाति के लोग का संरक्षण मुख्यमंत्री जी कर रहे थे ये सब लोग जानते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही हूँ कि अभी गाजीपुर में 2.5 साल की बेटी के साथ हुआ, हरदोई में रेप हुआ, आप देखिए जगह गोरखपुर में तमाम घटनाएं आ रही हैं कि किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, अयोध्या में भी आई है, इससे पहले भी अयोध्या में आई है, वर्तमान में भी आई है, और तमाम जगह मैं कह रही हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि जगह जगह महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और जिस तरह की बात अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रहे थे, इनसे तो मैं यही सवाल पूछूंगी कि ये बताइए कि कल जो एक महिला थी जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में घूम के चक्कर लगा रही थी, और उसके साथ क्या हुआ, उसको इतना निराश कर दिया आपकी पार्टी ने और इस सरकार ने कि उसको आत्मदाह करने पे मजबूर होना पड़ा। कल जब हम लोग अस्पताल में उसको देखने गए तो उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसका 1 साल का बच्चा है। दूसरी बात ये कि जो गुंडे और माफिया और संरक्षण की बात करें, चूंकि ये आपने बहुत सेंसिटिव इशू पर बात मुद्दा रखा है, इसलिए मैं अभी उन माफियाओं पे नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं तो विनीत सिंह से लेकर धनंजय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, और जो अभी बंसरा में एक केस हुआ है या जो गाजीपुर में हुआ है, अगर मैं कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी के थे, चिन्मयानंद इन्हीं की पार्टी के थे, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी के साथ भी देखिए रेप हुआ हो, कोई भी महिला हो, एक तरह से जब उसके साथ रेप होता है तो
एक उसकी मेंटल स्थिति भी बहुत खराब होती है, और उस पर राजनीति करना, आप पीड़िता को जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी आप सामाजिक मदद कर सकते हैं, जो भी उसके लिए मैक्सिमम सरकार कर सकती है, और सिर्फ सरकार नहीं, हम सब लोगों का दायित्व है कि कोई भी अगर पीड़िता है और उसके साथ हम खड़े रहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीड़िता के नाम पर राजनीति करो, आप टारगेट करो, समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, ये बहुत दुखद है। और सूबे का मुख्यमंत्री तो सबका है, वो किसी जाति विशेष का नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोमती नगर की घटना हुई, सिर्फ दो लोगों का नाम लिया गया, बाकी लोगों का नाम नहीं। तो राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ना तो महिलाओं के साथ अपराध को रोक पा रही है, और ना ही भ्रष्टाचार को रोक पा रही है, और ना ही जो लूट हत्या हो रही है उसको रोक पा रही है। चलिए ठीक है, अपराध, क्योंकि रेप की घटना जब भी सामने आती है तो राजनीति चरम पर हो जाती है। और ये अयोध्या कांड, जो 12 साल की रेप पीड़िता है, उसको लेकर किस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, आगे चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, अयोध्या का रुख करेंगे, प्रवेश पांडे का फिर अपडेट साझा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रेप पर राजनीति आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, एक बार रुख करेंगे लखनऊ का। संदीप, ये जो लखनऊ में पोस्टर लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए सोनी, जिस तरीके से अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है, जहां पर अपराधों की एक श्रेणी जो है वो तैयार करके जो है वो एक दूसरे की सरकार पर जो है बताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए, फिर उसके माफ करिएगा, पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, फिर उसके बाद कहीं जा करके समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए। समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाने का मकसद था साफ तौर पर कि अयोध्या में जिस तरीके से घटना घटती है, उस घटना को लेकर के उन्होंने पोस्टर लगाया। उसमें मुलायम सिंह का जिक्र भी किया उन्होंने कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, तमाम तरीके की बातें कहते हुए नजर आए। और वहीं अब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उस पोस्टरों में साफ तौर पर निवेदक का नाम किसी नहीं लिखा है, घर की बेटी लिखा है, और इसके साथ साथ में बहुत सी बातें जो है उस पोस्टर के माध्यम से कही गई हैं। जिस तरीके से उन्नाव में कांड हुआ है, हाथरस में कांड हुआ है, और तमाम जगह के जो जहां पे महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, महिलाओं के साथ जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया दर्शाया गया है। तो साफ तौर पे एक दूसरे का पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो जुबानी जंग है वो बंद हो चुकी है, लेकिन पोस्टरों के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था है और किस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है। दूसरी अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाना चाह रही है कि कैसे मुलायम सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण जो है मिला करता था, किस तरीके से वहां पर इस तरीके से अपराध जो है होते रहते थे। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो पोस्टर के माध्यम से दिखाई जा रही है। बिल्कुल, पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है। अविरल जी, आपका रुख करेंगे। अभी पूजा शुक्ला जी की बात आपने सुनी होगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे कार्यकाल में जो है अपराध का ग्राफ बहुत कम हो चुका है। कितना कम हुआ है, कागजी आंकड़े और जमीनी हकीकत में काफी डिफरेंस नजर आता है। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठते हैं, भाई अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों रेप की घटनाओं में अंकुश नहीं है, क्यों अपराधियों के जहन में अभी वो खौफ नहीं है बाबा का, या ये कहा जाए जिस तरीके से एक बुलडोजर चलने की बात निकलकर सामने आती है, अभी भी अपराध नहीं थम रहे, क्यों? जी देखिए, आज के समय में चोरी भी कम हो चुकी है, डकैतियां भी कम हो चुकी है, और जिस तरीके से अगर आपको चर्चा करनी है तो निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करती हैं सरकार के मध्य में समाजवादी पार्टी के, तुलनात्मक मुझे लगता है बेहतर, अगर जनता को बेहतर चाहिए था इसीलिए एक मौका भारतीय जनता पार्टी को इतने सालों से दिया गया। अगर सत्ता एक बार फिर से रिपीट हुई और एक जनाधार फिर से मिला तो भारतीय जनता पार्टी पर आम जनता का भरोसा भी ज्यादा होगा, उम्मीदें भी ज्यादा होंगी, तो उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी क्यों नहीं उतर पा रही? खुद के कह देने से ये नहीं होता है। जी
देखिए, अगर ये पूजा जी सवाल पूछ ही रही थी तो मैं भी एक इनसे सवाल पूछ लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका ये उत्तर दे देंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से मैंने पूछ लिया जी। लेकिन इसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से आजम खान के द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान फोन करके कहा गया था, इस बात को कहा गया था कि यहाँ जो हो रहा है होने दो, पुलिस को कहा गया था, संवेदनहीन है भाई साहब, आप बलात्कार के मुद्दे पे बात हो रही है, आप इतनी संवेदनहीन बात कर रहे हैं, और अगर आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं भाई साहब, रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो बनार में सम्मिलित थे उसके बारे में भी कुछ बोलिए। ये कौन है, ये कौन है, इनके बारे में बताइए, ये कौन है, ये आपके हैं पदाधिकारी, ये बनारस के रेप केस में आरोपी हैं, इन पे बुलडोजर कब चलाएंगे, ये आपके पदाधिकारी हैं, हैं मानते हैं। अभी देखिए सोनी जी ने मुझे बोल दिया था, क्या आप तो यही सोचते हैं कि महिला है बलात्कार हो गया उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे हैं, हो गया, संवेदनहीन है आप, इतने संवेदनहीन है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बलात्कार, शर्म आपको आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया आप लोगों ने, ढाई बजे महिला के शव को जला दिया कन्नौज के अंदर, बिना परिवार की अनुमति के जला दिया बच्ची के, मुजफ्फरनगर दंगा आपके समय में हुआ, रामपुर के आपके समय में हुआ, रामभक्तों पे आपके समय में गोलियां बरसाती गई, महिलाओं को आपने संरक्षण प्रदान किया, और हमें असल आप बता रही हैं। ठीक है, पूजय शुक्ला जी, पूजय शुक्ला जी, पूजय शुक्ला जी, आपका रुख करते हैं। आविरल मलिक जी, एक बात बताइए, बनारस रेप कांड का जिक्र अभी पूजा शुक्ला जी ने किया, और नाव रेप कांड का जो कि पोस्टर में भी साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम एग्जाम्पल्स जो निकल कर सामने आ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है ना, मुलायम सिंह तो अब रहे भी नहीं, और उन्होंने जो वक्तव्य कहा था तो ऐसे सेंसिटिव और संवेदनशील मसले पर उनके उस बयान को भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार उस बयान का जिक्र करती है, तुलनात्मक और आकलन क्या यहां पर होना चाहिए, या फिर कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरीके के अपराधों में कमी देखने को मिले बजाय राजनीति करने के। जी देखिए, जिस तरीके से इतिहास की बात है तो स्कूलों में भी छात्रों को पढ़ाया जाता है इतिहास, इतिहास बताना कोई गलत नहीं है, अगर इतिहास में कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों में भी इतिहास को पढ़ाया जाता है, अगर इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान की भी हम बात कर रहे हैं, वर्तमान का हम उत्तर दे रहे हैं और उसके इतिहास को याद करना चाहिए, ठीक है अविरल जी, आपकी बात मानते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव या कुछ बेहतर करने के लिए, अगर बेहतर अच्छी बात है तो उसे फॉलो करना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव बयान है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे उसको लेकर इतिहास में जाने की जरूरत है। चुनौती दे रहा हूँ, ये एक नाम बताएं, एक दंगा भाई साहब, कुलदीप सिंह सेंगर, अरे ये देखिए ये व्यक्ति अजीब ही बातें कर रहा है, क्या मुद्दा कुछ और है, ये बार बार दंगे में चले जा रहे हैं, अरे दंगाई तो सरकार बना के बैठे हैं, दंगाई तो सरकार बना के बैठे हैं, दंगे में जो कराते हैं वही तो सरकार में है, जो कराते हैं देखिए। चलिए अविरल जी, क्या लगता है कि ऐसे मसले पर राजनीति होनी चाहिए बजाय ये सोचने की कि रेप की घटनाओं पर कैसे अंकुश लगे? जवाब नहीं है क्यों? अरे नागपुर का आज एजेंडा नहीं आया, आप बताएंगे जवाब देंगे, आप ये लोग आपके बाद जो महिला ने हाथ बता किया इसमें जवाब देंगे? रामपुर त्रासकांड आपने पढ़ा है? देखिए ये रामपुर से लेकर के गर्तकी अटके रह जाएंगे, इन्हें महिलाओं की सुरक्षा में कोई काम नहीं करना, एक काम के नाम भी महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करेंगी, अरे शर्म करिए, किस मुद्दे पे बात और किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं पहले। चलिए पूजय शुक्ला जी, शर्म करिए, वो आपको भी देख रहे हैं कि आप कितने संवेदनहीन है, वो आपको भी देख रहे हैं, अविरल जी, पूजा जी, डिबेट का समय जो है समाप्त होता है, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक पार्टियों को ये पता है कि ये संवेदनशील मसला है, लेकिन संवेदनहीनता फिर भी नजर आती है।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।